बिहार में बाढ़ की वजह से 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 18 जिलों में रहने वाले 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि सरकारी इंतजाम और बचाव कार्य काफ़ी नहीं है। राज्य की बड़ी आबादी का जीवन संकट में है, अभाव में है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि राज्य के नेताओं को इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सब अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और बनाने में ज़्यादा ऊर्जा लगा रहे हैं। लालू यादव और उनके दोनों बेटे राज्य भर की यात्रा पर हैं। वो महागठबंधन टूटने को जनादेश का अपमान बता रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जिस जनादेश के अपमान की गाथा वो पूरे राज्य में सुनाते फिर रहे हैं, वो जनादेश उन्हें किसने दिया? जनादेश देने वाले फिलहाल किस हाल में हैं? क्या ये वक्त सब कुछ भुलाकर उनकी सुध लेने का नहीं है जो हर 5 साल में जनादेश देते हैं? लालू ही क्यों, शरद यादव भी इस मुश्किल वक्त में कभी पटना तो कभी दिल्ली में बैठके करके कभी संविधान बचा रहे हैं तो कभी असली जदयू अपने पास होने का दावा ठोक रहे हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की हवाई यात्रा करने के बाद केंद्र से मिल रही सहायता के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की है। यह बता दें कि हाल में ही नीतीश कुमार बीजेपी की मदद से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। पटना में एक कार्यक्रम में बोलते हुए नीतीश कुमार ने शरद यादव को पार्टी तोड़ लेने की, जदयू तोड़ लेने की चुनौती दी। वहीं महागठबंधन से अलग होने पर अपनी सफाई भी पेश की। कहने का मतलब यह कि जब राज्य की करोड़ों जनता पानी में डूबी है, बेघर है, बिना जरूरी सुविधाओं के रह रही है, तो क्या ऐसे वक्त में, ऐसे मुश्किल वक्त में राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आकर उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप 1 महीने बाद भी हो सकता है। जनता जिंदा बची तो जनादेश फिर मिल जाएगा, सत्ता दोबारा मिल जाएगी।